नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्रूपल कॉमर्स ट्यूटोरियल। तो इसमें हम जितने भी मेन टॉपिक हैं कॉमर्स के, जिसके यूज़ से हमें पूरी एक फुल ड्रूपल कॉमर्स की एक वेबसाइट बना सकें, तो दोस्तों आखिरी तक हम इसमें ऐसी फंक्शनैलिटी करते रहेंगे कि हमें एक पूरी फुल कॉमर्स की एक वेबसाइट ड्रूपल में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कॉमर्स में देखेंगे कि हम अपने ड्रूपल में कॉमर्स का सेटअप कैसे करें। ठीक है, तो कॉमर्स के सेटअप करने के दो तरीके हैं। अगर आपको ड्रूपल कॉमर्स इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट के लिए, तो इसमें दो तरीके हैं। या तो आप ये ऑप्शन यूज़ करें, ठीक है, तो ये कॉमर्स के स्टार्ट, इसमें क्या है कि एक ये पूरा फुल पैकेज है। ठीक है, इस फुल पैकेज में देखिए पूरे कितने MB का ये 25 MB का, तो ये पूरा फुल पैकेज है। इसमें जितने भी ड्रूपल कॉमर्स के इनके रिलेटेड कंट्रीब्यूट्स मॉड्यूल हैं, सभी इंक्लूडेड है और वेल पूरा सेटअप है। ठीक है, इसको आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपसे ये मांगेगा कि मैं प्रोडक्ट इंस्टॉल करूँ साथ में या नहीं। तो अगर आपने प्रोडक्ट भी अगर इंस्टॉल कर दिए तो आपको डेमो में पूरे प्रोडक्ट भी आपको साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक पूरा तरीके का ऑटोमेटिक पूरा एक पैकेज है, जिसको आप इंस्टॉल करके अपनी एक रन टाइम ई कॉमर्स की वेबसाइट पा सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल सब कुछ सेटअप होके मिलेगा। अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो अगर आप अपने लोकल होस्ट में भी ये सेटअप इंस्टॉल करेंगे, ये डाउनलोड करके यहाँ पे, तो आपको इस तरीके का एक पूरा एक जब आप फुल इंस्टॉलेशन विद प्रोडक्ट्स करेंगे तो आपको ये पूरा एक फुल मिल जाएगा। देखिए इसमें पूरी फंक्शनैलिटी, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सारे सब कुछ है, सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, अंदर जाएंगे तो ये इस तरीके का हमारा ये ऑप्शन मिलेगा हमको यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरी फंक्शनैलिटी ऐड टू कार्ट की, ये ऐड टू कार्ट किया हमने, ये इन्होंने लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ से गो टू चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा ये मतलब पूरा इनबिल्ड पूरा आपको सेटअप मिल जाएगा, वेल सेटअप मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपनी एक बात और है कि ये अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स है उसमें आपको कॉमर्स इंस्टॉल करना है तो आप ये इंस्टॉल नहीं कर सकते, किक स्टार्ट आप नहीं इंस्टॉल कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल मेथड में जाना पड़ेगा। मैनुअल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे ड्रूपल कॉमर्स, URL आप देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट स्लैस कॉमर्स है, इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अभी करंटली इतनी वेबसाइट्स में चल रहा है। ठीक है, और ये ड्रूपल 8 में भी है और 7 में भी है। ठीक है, तो इस मैनुअल मेथड के थ्रू हम क्यों जाएंगे? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक डेवलपर हूं तो आपको ये मैनुअल मेथड में ही जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप डेवलपर नहीं हैं, आप क्लाइंट मतलब आपको खुद के लिए अपनी एक वेबसाइट ड्रूपल कॉमर्स की बनानी है और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप चूज़ कीजिए कॉमर्स की स्टार्ट। लेकिन आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ड्रूपल कॉमर्स। ठीक है, और वो ये वाला ना कि किक स्टार्ट। ठीक है, आपको ड्रूपल कॉमर्स यूज़ करना पड़ेगा। इस मैनुअल मेथड में हम पूरी एज इट इज़ ऐसी ही वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, मतलब अभी इसमें क्या है, पूरी फंक्शनैलिटी है पहले से कर रखी है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या हो रहा है। अभी यही चीज़ हम वन बाय वन स्टेप लेके इससे चलेंगे, ड्रूपल कॉमर्स के थ्रू चलेंगे, तो ये पूरा एक मैनुअल मेथड है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ मॉड्यूल भी हमको डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं दी है, ये देखिए यहाँ रिक्वायरमेंट दिया हुआ है कि हमें सी टूल्स चाहिए। ठीक है, एंटिटी API चाहिए, एड्रेस फील्ड भी हमें चाहिए होगा, व्यू भी हमें चाहिए होगा और रूल भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, हमें कैसे सेटअप करना है, साइट में जाके अगर आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे और एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, कॉमर्स आ गया। अभी दोस्तों, अगर आप ड्रेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपने अपने सर्वर पे ड्रेस इंस्टॉल कर रखा है, तो सिंपल आप क्या लिखेंगे,
आप उस डायरेक्टरी में जा चुके होंगे, उसके बाद ड्रस डीएल लिखेंगे और उसके बाद कॉमर्स का नाम, मतलब कौन सा नाम कि ये जो यूआरएल पे जो प्रोजेक्ट के नाम आते हैं इसको इंस्टॉल करेंगे। जैसे ये बूटस्ट्रैप है तो इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप इंटर करोगे तो ये आपको पहले ही बताएगा कि पहले से ही पड़ा हुआ, देखिए ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, ठीक है। डू यू वांट टू ओवर इट, नो, तो हमें इसको ओवर राइट नहीं करना है, ठीक है, नो कर देते हैं और ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने लोकल में आप भी डाउनलोड कर लीजिए मॉड्यूल। पहला क्या है, कॉमर्स, ड्रूपल कॉमर्स, दूसरा एड्रेस फील्ड, तीसरा सी टूल, चौथा एंटिटी एपीआई, पांचवा रूल, छठा व्यू। तो मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी टूल, ये हो गया व्यू, ये हो गया एंटिटी एपीआई, ये हो गया रूल और ये हो गया हमारा एड्रेस फील्ड, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अगर आप एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपल एक कमांड लिखनी है, एड्रेस डाउनलोड स्पेस सी टूल मॉड्यूल का नाम, व्यू मॉड्यूल का नाम, एंटिटी, रूल्स, एड्रेस फील्ड। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सब एक साथ डाउनलोड कर देगा, ठीक है। तो आप इनेबल भी कर सकते हैं यहाँ से, एड्रेस EN, इनेबल EN, केवल शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, जैसे DL का डाउनलोड लिखा हुआ इसे EN का इनेबल का लिखेंगे EN, और उसके बाद जितने मॉड्यूल आपको लिखने हैं और इनेबल करने हैं उनको लाइन से भी कर सकते हैं। अगर सिंगल है तो केवल एक सी टूल, जैसे सिंगल यूज़ करना है तो हमको सी टूल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला डाउनलोड हो गया, दूसरा हो गया टोकन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाउनलोड, हम फोल्डर में आके देखेंगे तो ये हमारा ये सब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो आइए चल के देखते हैं, एडमिन में है, मॉड्यूल्स, सी टूल हमारा आ गया, कॉमर्स के हमारे पूरे आ गए, ठीक है। ये पूरा कॉमर्स का आ गया, ठीक है। अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कॉमर्स को, ठीक है। तो हमें कार्ड भी चाहिए, चेकआउट भी चाहिए, कॉमर्स भी चाहिए, ठीक है। ये हम सब इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और जितने भी इनसे रिलेटेड मॉड्यूल होंगे, पेमेंट मेथड एग्जांपल अभी के लिए नहीं करते हम, बाद में करेंगे, ठीक है। प्राइस, प्रोडक्ट भी चाहिए हमें, प्रोडक्ट प्राइसिंग की यूआई भी चाहिए, ठीक है। और टेक्स्ट भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, टेक्स्ट तो बाद में कर सकते हैं लेकिन अभी कर लेते हैं। अब क्या करेंगे आप, अब जब सेव करेंगे तो आपसे डिपेंडेंसीज जितने भी रिलेटेड मॉड्यूल हैं वो सब भी आपको इनेबल करने पड़ेंगे। तो ये आप इनेबल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एड्रेस से भी आप जब करेंगे तो भी वो डिपेंडेंसी लेगा और उनको भी इनेबल कर देगा, ठीक है। तो जब आप इसको इनेबल करेंगे तो आपको एक स्टोर का, एक मेन मेनू पे एक स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बल्क ऑफ मॉड्यूल्स थे। ड्रेस हमारा दोस्तों फास्ट होता है, अगर ड्रेस से हम करते तो जल्दी हो जाता। तो चलिए मैनुअल कर लिया, कोई बात नहीं। जिनके पास ड्रेस नहीं है, जिससे विंडोज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ड्रेस इंस्टॉल करने में, तो अभी देखिए पूरा ये इनेबल हो चुका है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक स्टोर का ऑप्शन भी आ गया, ठीक है। अब स्टोर पर जब क्लिक करेंगे तब देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट्स और ये पूरा ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये देखिए जितने हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किए थे वो हमारे सारे इनेबल हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या किया, इस वीडियो में हम लोग ने एक सिंपल एक ड्रूपल का हमारा इंस्टॉलेशन था, केवल उसमें कोई मॉड्यूल नहीं था, ठीक है, कंट्रीब्यूट कोई मॉड्यूल नहीं था, सब पूरा कोर का पैकेज था। उसके बाद हम लोग ने कॉमर्स का अपना सेटअप किया, कॉमर्स में हमने क्या क्या मॉड्यूल यूज़ किया, एक हमने ड्रूपल कॉमर्स डाउनलोड किया, ठीक है, प्रोजेक्ट स्लैश कॉमर्स से सी टूल किया, व्यू किया, एंटिटी एपीआई किया, रूल किया, एड्रेस फील्ड किया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक अच्छी सी थीम लेंगे,
और देखते हैं मैं ड्रुपल में कौन सी अच्छी थीम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।